जमीन पर अपनी सरहद पहचानना और उसकी रक्षा करना ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली समंदर के। हमारे साथ एडमिरल सुनील लांबा जी। सर, इस समय जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है या फिर इस चीज की सीजें चल रही हैं लगातार उरी अटैक के बाद, क्या कुछ दिक्कतें या फिर कुछ चैलेंजेस इंडियन नेवी के सामने हैं? उरी अटैक के बाद द नेवी का कॉम्बैट रेडीनेस हैज बीन इंक्रीज्ड। जहाज पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट्स हैव बीन डिप्लॉयड एंड कीपिंग द एरियाज मैरिटाइम एरियाज अंडर सर्वेलेंस एंड वी आर फुली रेडी फॉर एनी कंटिजेंसी। सर, इंडियन नेवी के चीफ के तौर पर अभी हमारे लिए क्या चैलेंजेस हैं या फिर क्या हमारे स्ट्रांग पॉइंट हैं जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए फ्यूचर की अगर हम बात करें तो? जो हमारी जो कैपेबिलिटी प्रोस्पेक्ट प्लान है उसके बदौलत हमारी फोर्स बिल्डअप चल रही है। हमारे 42 जहाज और सबमरीन कंस्ट्रक्शन है, सारे इंडियन यार्ड्स में ही बन रहे हैं एंड आर कैपेबिलिटी प्लानिंग इज गोइंग ऑन स्केड्यूल। सर, आपने आज कहा कि 2017 जो होगा सबमरीन ईयर होगा हमारा, क्या कुछ नया आने वाला है भारतीय नेवी के अंदर? 2017 में सबमरीन इंडक्शन, पहली सौ सबमरीन के 50 साल हो जाएंगे 8 दिसंबर को, तो इसलिए 2017 में ईयर ऑफ द सबमरीन आर्म डिक्लेयर किया। और जो हमारी जो पहली पनडुब्बी थी कलवेरी, उसकी जो सेकंड कलवेरी इज आल्सो गोइंग टू बी कमीशन्ड इन 2017। हमारे साथ नेवी चीफ से जिनसे बात कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने बताया कि अगला साल जो होगा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। कैमरा पर्सन शिवली के साथ सुमित चौधरी, इंडियन न्यूज़, दिल्ली।